Hello students, my name is Safa Mukadam and in this video I will show you how to perform payment receipt and contra vouchers in Teleprime. Last video के अंदर मैंने आपको पेमेंट का रिसीप का और कॉन्ट्रा का फॉर्मेट बताया था. अभी इस वीडियो के अंदर मैं इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करने वाली हूँ. तो ये सबसे पहले ये सब तो इसके क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये वाला इसका क्वेश्चन है, ठीक है. और ये भी रिसीप पेमेंट और कॉन्ट्रा के सबके ये सारे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस है, ठीक है. आई होप आप लोगों ने देख लिया रहेगा, ये पेमेंट का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे रिसीव का क्वेश्चन, अगेन रिसीव का, पेमेंट का और कॉन्ट्रा का, ठीक है. तो फिर चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. हमारा सॉफ्टवेयर जो टैली का हम वो ओपन कर देते हैं. लास्ट वाले वीडियो में हमने सेल्स तक का किया था, अभी मैं पेमेंट का स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैं इसका क्वेश्चन आपको पढ़ लेती हूँ पेमेंट का. आपको दिया गया था पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय बैंक, ठीक है. पेड है तो इसकी एंट्री कहाँ पास होगी, पेमेंट में पास होगी. तो पेमेंट में जाने का जो शॉर्टकट की है इट इज़ F5. तो जैसे मैं F5 प्रेस करती हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेमेंट का वाउचर स्टार्ट हो गया है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, स्टेशनरी 5000, सैलरीज 10000, वेजेस 10000, ऑफिस रेंट 20000, इंश्योरेंस 10000 और फैक्ट्री इंश्योरेंस 15000. तो सबसे पहले आपको क्या बोला, स्टेशनरी, इसमें से हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेस बना हुआ नहीं है, सब आपको ऑल सी करके खुद क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ऑल सी और बना देती हूँ स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अमाउंट इसका दिया 5000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5000. अब जैसे मैं एंटर करती हूँ यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है. तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, बाय कर देती हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे सारे एक्सपेंसेस डालने हैं ना. तो इसको ऑल सी करके मैं बाई करके फिर ऑल सी करूँगी. नेक्स्ट ऑप्शन मुझे दिया है सैलरी, तो सैलरी मेरे पास नहीं है तो मैं ऑल सी करके बना देती हूँ यहाँ पे सैलरीज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अमाउंट आपको दिया गया 10000 रुपीज़, तो आप यहाँ पे डालोगे 10000. अगेन 2 आ रहा है, इसको आपको बाई करना पड़ेगा बिकॉज सारे इसके एक्सपेंसेस आएगा लास्ट में. इसका पेमेंट आपको किससे करना है वो आपको देखना है कि आपको किससे दिया गया, कैश या चेक जो भी दिया, हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट आपको दिया वेजेस, तो वेजेस तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम लोग वो ले लेते हैं, ठीक है. अमाउंट आपको दिया गया 10000 रुपीज़, ठीक है. फिर अगेन इसको मैं बाय कर देती हूँ. ऑफिस रेंट ऑल सी करके बनाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस सारे बाय में आएंगे. अमाउंट अगेन आपको इसका दिया गया ऑफिस रेंट का, इट्स 20000, बाय ऑल सी करके मुझे बनाना है. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट आपको कितना दिया गया है, 10000. आपने यहाँ पे लिखा अमाउंट में 10000. और लास्ट आपको दिया गया फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो इसको आप बाय कर देंगे. ऑल सी करके आप यहाँ पे बनाएंगे फैक्ट्री इंश्योरेंस जो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. ठीक है, अमाउंट आपको दिया गया है 15000 का, तो आप यहाँ पे डालेंगे 15000. अभी आपको क्या बोल रहा है, पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय बैंक, तो आप यहाँ पे ले लेंगे बैंक. हमारे पास कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. 70000 का हमारा पर टोटल हो गया. नरेशन में यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी फीड नहीं करना है. नरेशन में अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो, बीन पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय बैंक ऑल्सो एक्सेप्ट करना. ओके, तो इस तरीके से हमने हमारी पेमेंट की एंट्री की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव चेक फ्रॉम एक्स एंड अलाउड हिम 6% कैश डिस्काउंट एंड सेटल द अकाउंट. ये रिसीव बोल रहा है, इसकी एंट्री कहाँ पास होगी, रिसीव में पास होगी F6 में. तो मैं यहाँ पे F6 में चली जाती हूँ. आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा रिसीव का वाउचर जो है एक्टिवेट हो गया है. रिसीव चेक फ्रॉम एक्स, तो पहला पार्टी नेम आएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है. आपको क्या बोल रहा है कि सेटल द अकाउंट, मतलब आपको आपके अकाउंट को कम्प्लीटली सेटल करना. तो ये आपको यहाँ पे इसका करंट बैलेंस दिख रहा है 2,50,000, या हम पूरा के पूरा यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपका बैलेंस पूरा सेटल डाउन हो जाए. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2,50,000, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि मेरा बैलेंस यहाँ पे पूरा सेटल डाउन हो गया, करंट बैलेंस 0,0 हो गया, ठीक है. आपको क्या बोल रहा है, रिसीव चेक बोल रहा है, तो चेक करेगा तो मैं यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करेंगे, बैंक ऑफ यूनियन की. आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे 6% का कैश डिस्काउंट निकालो, बट यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट दिया हुआ नहीं. तो जो 2,50,000 है इसके ऊपर आप 6% का डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो आप सीधा कैलकुलेटर में जाएंगे, कंट्रोल एन करके 2,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6%. ऑलराइट, तो कितना आया यहाँ पे, 15,000. 2,50,000 माइनस 15,000, दैट इज 2,35,000. कंट्रोल एम करना है,
2,35,000, ठीक है, बैंक के सामने। और नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी डिस्काउंट अलाउड की। क्यों डिस्काउंट अलाउड? क्योंकि क्वेश्चन में इटसेल्फ आपको बोल रहा है रिसीव चेक फ्रॉम एक्स एंड अलाउड हिम 6% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अलग से पास नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन किया जाता है, इसे कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से बनेगी। और सी करके आप बनाएंगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा इसका 15,000। नरेशन लिख के आपको इसका एक्सेप्ट करना है। हमने क्या किया, पहले पार्टी नेम लिखा, उसको सेटल किया 2,50,000 को, फिर 2,50,000 के ऊपर हमने 6% का डिस्काउंट निकाला, तो जो डिस्काउंटेड अमाउंट था वो हमने यहाँ पे लिखा, और जो डिस्काउंट का पर्टिकुलर अमाउंट था वो हमने यहाँ पे लिख के इसको एक्सेप्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है दैट इज रिसीव कमीशन ऑफ ₹1,00,000 बाय चेक। ठीक है, तो आपको कमीशन चेक से पे करना है, बट यहाँ पे हमारे पास कमीशन नहीं है, तो हम ऑल सी करके यहाँ पे बना देंगे कमीशन रिसीव अंडर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो इसलिए इनकम में जाएगा। आपका अमाउंट इसका दिया गया है ₹1,00,000, तो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ₹1,00,000। आप रिसीव किससे कर रहे हो? चेक से कर रहे हो, तो जो चेक करेगा तो हम यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करेंगे? बैंक ऑफ यूनियन की। ऑलराइट, इसको एंटर करना है, नरेशन लिख के इसको आपको एक्सेप्ट करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव चेक फ्रॉम वाई एंड अलाउड हिम 10% कैश डिस्काउंट। ये सिमिलर प्रीवियस एंट्री जैसा है, पहले आपका पार्टी नेम आएगा यहाँ पे, आपको वाई बोल रहा है पार्टी नेम, तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे। वाई लिखने के बाद आपको बोल रहा है आप अकाउंट को सेटल करो, तो ये जो आपका करंट बैलेंस है सेम हमको यहाँ पे लिखना है 779,300। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री आपकी काय की आएगी? बैंक की आएगी, बैंक ऑफ यूनियन की। ठीक है, इस अमाउंट के ऊपर आप 10% का डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सीधा कैलकुलेटर में जाएंगे, कंट्रोल एन, 779,300 माइनस 77930, 10% निकालेंगे तो 10 वेव ऑफ कर देंगे, तो 77930, तो आपका जो डिस्काउंट आ रहा है दैट इज 701,370। तो कंट्रोल एन क्या था आपका 701,370 आपने बैंक के सामने लिखे, और नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी डिस्काउंट अलाउड की। हमने ऑलरेडी बना के रखा है डिस्काउंट अलाउड 77930। बराबर, हमारा जो डिस्काउंट आता 10% इतना ही आता। ऑलराइट, तो ये पीछे की जो एंट्री रिसीव की गई थी उस तरीके से ही था, नरेशन लिख के आपको उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया दैट इज पेड टू एबीसी बाय रिसीविंग 10% डिस्काउंट एंड सेटल द अकाउंट बाय बैंक। ये आपको पेड दिया, तो आप पेमेंट में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे तो आपका पेमेंट का वाउचर हो जाएगा। पेड टू एबीसी, एबीसी तीनों अलग अलग पार्टी, तो पहला आप यहाँ पे लिखेंगे ए, ए को सेटल करेंगे, कितना दिया है? ए का करंट बैलेंस 2,00,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2,00,000। ठीक है, फिर बाय बी, बी को सेटल करेंगे 1,90,000। ठीक है, फिर बाय सी 407,680, इसको भी हमने सेटल कर दिया। तीनों जो हमारे पार्टी नेम थे सब सेटल हो गए हैं। आप किससे सेटल डाउन कर रहे हो? बैंक से कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी बैंक ऑफ यूनियन की 797,600। इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट निकालने के लिए बोला, तो आप कैलकुलेटर में चले जाएंगे, 797,680 माइनस 797,680। ओके, 10% का आप डायरेक्टली निकाल देंगे, तो 717,912, तो कंट्रोल एम एन करेंगे आप, 717,912 आप बैंक के सामने लिखेंगे, और नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी डिस्काउंट अलाउड की। जो आपके पास नहीं है आपको ऑल सी करके क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 797,680 आ गया है। कोई ज़्यादा नहीं किया हमने एंट्री में, सेम ही एंट्री पास की है, खाली इतना है कि तीनों अलग अलग पार्टी, तीनों को अलग अलग सेटल किया, बाय ए, ए को सेटल किया, बी को सेटल किया, सी को सेटल किया, बैंक डिस्काउंट निकाली, तो जो ओवरऑल अमाउंट था वो यहाँ पे लिखा, और जो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री थी वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव में एंट्री पास कर दिया। नरेशन लिख के इसको एक्सेप्ट करना है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹20,000 एंड पेड हाउस पेटी एक्सपेंसेस। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक डिपॉजिट होता है और एक विड्रॉन होता है। डिपॉजिट में भी दो एंट्री पास होती है, विड्रॉन में भी दो एंट्री पास होती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? विड्रॉन दिया गया। तो विड्रॉन में दो एंट्री पास होगी, पहले बैंक की एंट्री आएगी, सेकेंड कैश की एंट्री आएगी। कॉन्ट्रा में जाने के लिए आपको प्रेस करना है F4। ठीक है, तो पहले एंट्री आएगी बैंक की, तो बैंक ऑफ यूनियन 20,000 रुपीज़, और नेक्स्ट एंट्री भी हमारी आएगी
कैश की बाय कैश 20,000 रुपीज़। नरेशन लिख के इसको आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट एंट्री हो गई। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन दिया आपको, पेड हाउस पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, पेड है तो आप कहाँ जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, F5 में। आपको क्या बोल रहा है, हाउस पेटी एक्सपेंसेस है, तो ऑल सी करके आप बना देंगे यहाँ पे हाउस पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये कैसा, ये हाउस है, ओके, ये पर्सनल होता है, ओके, तो आप डायरेक्टली इसको हाउस पेटी करके ही बना सकते हो, बट आपको बोल ही रहा है कि दिस इज योर पर्सनल, ओके, तो जो पर्सनल चीज़ रहती है उसको हम कहाँ डालेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट में डालेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट विल गो अंडर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको प्रोफॉर्मा भी समझाया था कि अगर आप कोई पर्सनल चीज़ लेते हो तो ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा। कितना है अमाउंट, 20,000। यहाँ पे आपको 20,000 दिया नहीं है, बट वही अमाउंट आपको लेना है, ओके, अलग से मेंशन करके ऐसा दिया नहीं है। और आप किससे पेमेंट करो, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गई है, बैंक वगैरह कुछ, तो हम लोग स्ट्रेट अवे किससे पेमेंट करेंगे, कैश से करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारी पूरी एंट्री हो गई है। हम लोग डे बुक में पूरा एक बार देख लेते हैं, नीचे डे बुक में जाएंगे स्किप करके। तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा, ये कॉन्ट्रा वाउचर है, ये पेमेंट है, और ये पूरा रिसिप्ट का है। ओके, मैं एक बार ऑल्टा फ़ोन करके आपको डिटेल में भी बता देती हूँ। ये मेरा कॉन्ट्रा वाउचर, ये पेमेंट, ये दूसरा पेमेंट का वाउचर, ये सब रिसिप्ट का वाउचर। ओके, इसका मेन रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल के अंदर यहाँ पे ड्राइंग माइनस हुआ है, बिकॉज जो ड्राइंग होता है कैपिटल से माइनस होता है। ओके, और ये पूरा यहाँ पे आपको पूरा इसका, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपको पूरा इसका प्रॉफिट बता रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है कुछ इस तरीके से। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, या आप ये साइड पे आपका सारे एक्सपेंसेस है, ये आपका सारा इनकम है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है 329,838 का है। ओके, सो मैंने आपको पूरे वाउचर एंट्रीज जो है एक्सप्लेन कर दिए है इस वीडियो के अंदर। मैंने आपका पेमेंट रिसिप और कॉन्ट्रा का वाउचर जो है वो कम्प्लीट एक्सप्लेन किया है। आप सब ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर। That's all for this video. Thank you.